हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार अंडे आलू की रेसिपी, जो बहुत ही आसान तरीके से बन जाते हैं लेकिन बनते बहुत ही मज़े के हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो सबसे पहले आपने एक पैन ले लेना है, उसके अंदर आपने एक कप ऑयल ऐड कर लेना। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद उसके अंदर आपने अंडे बॉयल कर लेना है और बॉयल करे हुए अंडे को आपने उस ऑयल के अंदर डाल देना है और गोल्डन फ्राई करके निकाल लेना है। अब जो ऑयल बाकी बचेगा उसके अंदर आपने दो मीडियम साइज की प्याज को ग्राइंड करके उस ऑयल के अंदर ऐड कर देना है और अच्छे से भूनना है। अच्छे से आपने जब तक भूनना है जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। तो इस पॉइंट पर आपने जो है वो एक टेबलस्पून भर के यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर देना है और चमचा चलाते रहना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्याज का कलर अब कुछ चेंज हो गया है। एक से दो मिनट आपने इसे और भूनना है और उसके बाद तीन अदरक दरमियाने साइज के टमाटर लेके उन्हें भी ग्राइंड करके उसका पेस्ट बना के प्याज और अदरक लहसुन के पेस्ट में इसे शामिल कर देना है। अब इसका चमचा अच्छे से चलाना है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं, जिसमें एक टेबलस्पून भर के यहाँ पे आपने इसमें सॉल्ट ऐड कर लेना है, एक टेबलस्पून भर के यहाँ पे आपने कुटा भुना धनिया ऐड कर लेना है, एक टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर लेनी है, आधी टीस्पून यहाँ पे आपने हल्दी पाउडर ऐड कर लेना है, एक टीस्पून यहाँ पे आपने कुटा भुना जीरा, एक टेबलस्पून भर के लाल मिर्चों का पाउडर ऐड कर लेना है। इसके बाद हमें थोड़ा सा मिक्स करके चमचा चलाना है। एक से दो मिनट चमचा चलाने के बाद आपने यहाँ पे जो है इसे ढककर पका लेना है। अब यहाँ पे देखिए मसाला अच्छे से भुन गया है, तो इस पॉइंट पर आपने आधा प्याली दही फेंट कर ऐड कर देना है। दो से तीन मिनट आपने यहाँ पे दही के साथ इसको भूनना है और फिर पाँच मिनट के लिए इसे ढककर छोड़ देना है। पाँच मिनट के बाद आप देखें कि मसाले का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, तेल ऊपर आ गया है और मसाले से अलग हो गया है। तो इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसे एक से दो मिनट और भूनना है और भूनने के बाद मीडियम साइज के तीन अदरक आलू लेकर उन्हें आपने काट कर इस मसाले में ऐड कर देने हैं। उसके बाद दो से तीन मिनट आपने इसे अच्छी तरह से भूनना है ताकि जो भी इसका ऑयल है वो मज़ीद ऊपर आ जाए। तो आप इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि इसका ऑयल ऊपर आ गया है और मैंने यहाँ पे एक कप पानी ऐड कर दिया है ताकि इसकी जो ग्रेवी है वो अच्छे से बन जाए। एक कप पानी ऐड करने के बाद यहाँ मैंने इसे ढक दिया है ताकि आलू अच्छे से गल जाए और पाँच से सात मिनट पकाने के बाद मैंने इसे देखा तो आलू गल गए हैं। अब यहाँ पर मैंने अंडे ऐड कर दिए हैं। अंडे डाल के बिल्कुल भी आपने जो है वो ज़्यादा नहीं पकाना है। इस पॉइंट पे आपने थोड़ी सी हरी मिर्चें और हाफ टी स्पून गरम मसाला ऐड करके इसे ढककर दो से तीन मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कितने मज़ेदार अंडे आलू तैयार हैं। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।